हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीएमए कैंपस प्लेसमेंट के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया है। 27.5 लाख का पैकेज ऑफर किया गया, और वो पैकेज एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको आप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उसने ऑफर किया, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 27.5 लाख का पैकेज उन्होंने ऑफर किया है। किस स्टूडेंट को ऑफर किया है, क्या क्राइटेरिया था, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होने वाली है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी अपडेट्स मेरे चैनल की मिलती रहे एंड आप भी एक सक्सेस बन सको। एंड फिर मैं आपकी सीएमए सक्सेस स्टोरी भी रिकॉर्ड करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड डिस्कस करते हैं सारी कंडीशंस आपके साथ। सो मैंने किया स्क्रीन शेयर आपके साथ एंड अब हम डिस्कस करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये महारत्ना गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है एंड इसके क्या क्या कंडीशंस है वो मैं आपके साथ बताता हूँ। पीएफसी कैंपस इक्विपमेंट 2022, पीएफसी प्रोफाइल, रोल ऑफर्ड, वाई पीएफसी, पे पार्क्स एंड बेनिफिट, ओके एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं थी इनके। अभी ये सारे इनके बारे में डिटेल्स मेंशन किया गया है कि पीएफसी इनके विजन्स क्या है, मिशंस क्या है। सो ये जब कंपनी प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती है तो अपने बारे में बताती है। सो वो सारी चीज़ें इन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है। स्टेट वाइज लोन एसेट्स कितने हैं, बोरोइंग पोर्टफोलियो क्या है, एसेट्स क्वालिटी स्नैपशॉट्स, ये सारी परफॉर्मेंस हाईलाइट्स उन्होंने दिया है, जिससे आपको क्या आइडिया लग सके कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। वो एक अबाउट कंपनी है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय रेशियो, ये सारी चीजें आ गई। वाई पी एफ सी, अब देखो, अमॉन्ग द लीडिंग एनबीएफसी ऑफ इंडिया, मोर देन 80% ऑफ टोटल एम्प्लॉय आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीएससीए सीएमए सीएफए एमबीए इंजीनियरिंग और लॉ ग्रेजुएट्स। 24%, जिसमें से टोटल 80% का 24% सीएससीए सीएमए एंड सीएफए है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैं आपके साथ बताना चाहता था। एट्रैक्टिव पार्क्स एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय, ऑफरिंग हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज फॉर न्यूली क्वालिफाइड सीएज इन रिसेंट ईयर। सीए कैंपस प्लेसमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां भी इन्होंने अच्छे पैकेज ऑफर किए। ऑल इंडिया रैंक होल्डर 1 को भी इन्होंने हायर किया है सीए कैंपस प्लेसमेंट से। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ऑफ लेस देन 1 ईयर, ये बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट लेस देन 1 ईयर। सो अब बात करते हैं क्या पार्क्स एंड क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। देखो, अगर आप देखो तो डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर का ऑफर किया गया है। स्केल ऑफ पे 60,000 से लेकर 180,000 तक का है ये अपना। एनुअल सीटीसी 27.5 लाख अप्रोक्स बनेगा, जिसमें आपकी बेसिक से बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क्स एंड अलाउंसेस, सुपर एनिमेशन, अदर रीइंबर्समेंट, ये सारी चीजें आपको दी गई। वेरिएबल कंपोनेंट 40% है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सो वेरिएबल कंपोनेंट काफी ज्यादा ह्यूज है। सो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस आपके बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आप 27.5 लाख के अपने सीटीसी को पहुंच पाओगे, अदरवाइज आपको लेस में रहना पड़ेगा। मैक्सिमम 40% है वेरिएबल कंपोनेंट। सो जब सीटीसी काउंट होता है तो मैक्सिमम पार्ट वो लेते हैं सीटीसी में। कंपनी लीज अकोमोडेशन लीव ऑफ एचआरए 45,000 पर मंथ है। आपको कन्वेंस रिइंबर्समेंट फॉर कार मेंटेनेंस का भी मिलेगा 13,000। लीव इन कैशमेंट अदर रिइंबर्समेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको और अदर बेनिफिट्स यहाँ पे दी जाती है, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट फ्री एडवांस अगर आप लोन लेते हो, एडवांस एट सब्सिडाइज रेट हो सकता है, रेगुलर रिइंबर्समेंट हो सकता है, ओकेजन स्पेसिफिक जैसे बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, ये सारी चीजें, इन हाउस हेल्थ केयर में विजिटिंग डॉक्टर्स, ये सब मतलब बहुत एक ह्यूज फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। कैजुअल लीव एंड ऑप्शनल लीव 12+2 है, अर्न लीव एंड हाफ पे लीव 30+20 है, विद इनकैशमेंट प्रोविजन, चाइल्ड केयर लीव एंड मतलब कितने सारे लीव प्रोविजन से आपके लिए आप देख सकते हो। मतलब इतने लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स से गवर्नमेंट कंपनी आपको प्रोवाइड करी है। वर्क एनवायरनमेंट काफी अच्छा है यहाँ का, आप देख सकते हो कि स्मूथ इंटरफेस विद सीनियर मैनेजमेंट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा आपको, ये सब काफी कुछ अच्छा है। ये आपको कैरियर ग्रोथ एट पीएफसी है कि आप E3 लेवल पे आप हायर हुए हो, आप E9 लेवल तक जा सकते हो, जहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी बन सकते हो। एंड क्या रेंज रहेगा आपका, वट वी आर लुकिंग फॉर, हम किस चीज के लिए हम लुक कर रहे हैं, एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, कमिटमेंट, ये सारी चीजें
टीम स्पिरिट, ये नॉर्मल हर एक कंपनी यही एक्सपेक्ट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, या तो फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, डिस्टेंस मोड हो, विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपको होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, मैंने पहले भी बताया जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें एज लिमिटेशन होते हैं, सो एज लिमिटेशन है। एज रिलैक्सेशन मे बी अलाउड फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी, अगर आपको पास एबिलिटी है, आप हैंडीकैप्ड हो, देन आपको ये बेनिफिट्स दिया जाएगा एज का। थैंक यू लिखा गया है, तो यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सीएमए के साथ साथ, देन आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीएमए में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या रैंक होल्डर हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में मेंशन किया गया। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। होप सो कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप देखते रहो मेरे चैनल पर, और इंजॉय करो अपनी जर्नी, अच्छे से बिल्ड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।